बेटा हम पिछले लेक्चर्स में डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हमने आपको बेटा मेजरमेंट पढ़ाया फर्स्ट लेक्चर में, फिर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट बताया बेटा, फिर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की, फिर उसके बारे में बेटा फिजिकल क्वांटिटी के बाद में हमने यूनिट्स के बारे में आपको बताया, फिर बेटा टाइप्स ऑफ यूनिट बताया। तीन टाइप का वहाँ पर यूनिट था। पहला क्या था बेटा? फंडामेंटल था। दूसरा क्या था बेटा? सप्लीमेंट्री था। और थर्ड वन क्या था बेटा? डिराइव्ड था। इसके बाद जब हम आगे चले बेटा तो हमने आपको यूनिट कैलकुलेट करना सिखाया, ठीक है बेटा। और फिर नेक्स्ट बात में, नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको डायमेंशनल एनालिसिस बताई। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग क्या कर रहे थे बेटा? जो भी आप यूनिट्स ले रहे थे, जैसे मीटर ले रहे थे, किलोग्राम ले रहे थे, सेकंड ले रहे थे, केल्विन टेम्परेचर ले रहे थे, उन सबको आपने, जो भी यूनिट्स आप ले रहे थे उनको सिंबल्स की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया। जैसे आपने लेंथ को कैपिटल एल, आपने किलोग्राम्स को कैपिटल एम, है ना बेटा, और आपने सेकंड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया बेटा। इसके बाद ये जो हम नेक्स्ट इसमें आपको हमने इसके यूजेस बताए, यूज क्या थे बेटा? फर्स्ट यूज था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट इज सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेकंड यूज क्या था बेटा? पहला तो वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया बेटा। सेकंड यूज क्या था बेटा? सेकंड यूज था वी कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ एनी फॉर्मूला। थर्ड यूज क्या था बेटा? वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर। ये हम बेटा लास्ट लेक्चर में बात कर लिए हैं, है ना बेटा। अब कैसे बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने आपको क्या सिखाया था? सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे वॉल्यूम में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम होना चाहिए, प्रेशर में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो जो ऐड कर रहे हैं वो भी प्रेशर होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने सेकंड बताया था एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला चेक करने का। पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे बेटा, फिर राइट हैंड साइड के डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे। अगर LHS इक्वल RHS आता है तो फॉर्मूला करेक्ट है, और नहीं आता तो फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, ठीक है बेटा। ये सेकंड था। थर्ड हमने क्या बताया था बेटा? थर्ड बताया था वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम टू अदर अनदर, और बेटा इसका फॉर्मूला क्या था? N1U1 = N2U2। इसमें बेटा N1U1 = N2U2 प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने यूनिट से वहां से लेकर के आए थे, जहां पर n प्रोपोर्शनल 1/n यूनिट था बेटा। नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट बेटा। यहां पर हमने तीन कन्वर्जन आपको सिखाए। 1 km/h = 5/18 m/s, 1 N = 10^5 dyne, और 1 J = 10^7 arc। ये बेटा हमने तीन यूजेस आपको कल तक के लेक्चर में पढ़ा दिए थे। इसमें कोई भी दुविधा हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेटा। आज जो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, ये रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद जब आप नोट्स आप देखना चाहेंगे तो जहां से आपने वीडियो को एक्सेस किया बेटा उसको आगे स्लाइड करेंगे तो वहां पर आपको असाइनमेंट का एक फोल्डर मिलेगा। आप जब उस असाइनमेंट को क्लिक करेंगे, आप जैसे ही असाइनमेंट को क्लिक करेंगे बेटा, तो वहां पर आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स प्लस एक बुकलेट जो हम देते हैं अपने बैचेस में, वो आपको PDF फॉर्म में वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी बेटा, ठीक है। वो आपको वहां पर किस फॉर्म में मिल जाएगी बेटा? PDF फॉर्म में वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। जैसे ही आप वीडियो देखेंगे उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो मिलते ही वो नोट्स भी आपको असाइनमेंट फोल्डर में अवेलेबल हो जाएंगे। वो वहां पर आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कोई भी उसमें प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ भी सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें फोर्थ यूज है टू डिराइव एनी रिलेशन। डायमेंशनल एनालिसिस का बेटा हम यूज कर सकते हैं कोई भी रिलेशन को डिराइव करने के लिए। कैसे डिराइव करते हैं देखिएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए हमको बेटा इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r, डिफाइन या कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। आपको फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है बेटा। इसका सॉल्यूशन देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको दिया फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है बेटा। दूसरा आपको दिया फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी,
और तीसरा आपको दिया बेटा फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस। देखिए तीन चीज दी है, मास, वेलोसिटी, रेडियस, तीनों को कंबाइन कर दीजिए बेटा, तो फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है भाई, कैपिटल के आप इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट, और एम वी आर, और इसका पावर बेटा ए, इसका पावर बेटा सी, इसका पावर बेटा बी, इसका पावर बेटा सी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब देखिएगा यहां से लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, अब आपको उसको डायमेंशनल एनालिसिस से बेटा सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड फोर्स का बेटा क्या यूनिट होता है, क्या डायमेंशन होता है बेटा, एमएलटी माइनस टू, आपको मालूम है बेटा। राइट हैंड साइड पर मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा, मास सिंपल मास ही होता है एम, और बेटा वेलोसिटी आप जानते हो, पढ़ा दिया है आपको, एलटी माइनस वन, और बेटा रेडियस जो होता है मीटर में मेजर करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला इज एल। बेटा ये तीनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स हुआ बेटा, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, मास की जगह पर आपने एम रखा, पावर ए है, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, पावर बी है, और यहाँ पर एल पावर सी है। अब बेटा आप ध्यान से देखिएगा, ये तो एम एल टी माइनस टू एज इट इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ एम की पावर ए है, बाकी कहीं भी m नहीं है, l बेटा देखिए यहाँ पर l के पावर b है और यहाँ l के पावर c है, टोटल मिला के b प्लस सी हो गया बेटा, और यहाँ पर t की पावर माइनस बी है, देखिए माइनस वन ये b है तो मल्टीप्लाई माइनस बी, ठीक है बेटा, और बाकी कोई भी पावर अवेलेबल नहीं है। बेटा दोनों तरफ पावर को कंपेयर कीजिए, यहाँ पर 1 है m का पावर, यहाँ पर a है, तो a कितना आ गया बेटा 1 आ गया, यहाँ पर 1 है और यहाँ a है, तो a equals to 1। सिमिलर बेटा यहाँ l का पावर कितना है 1 है बेटा, l का पावर, यहाँ l का पावर कितना है बेटा b plus c है। अभी इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, बोथ आर अननोन, b और c दोनों कैसे बेटा अननोन, t का पावर इधर माइनस टू है, इधर माइनस बी है, तो b इक्वल कितना हो गया बेटा 2 हो गया है। अब b इक्वल 2 इसमें पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा बेटा 1 इक्वल्स टू b की जगह 2 प्लस c, तो c इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस b, तो आप देखिएगा a कितना आ चुका है आपके पास 1 आ गया बेटा, b कितना आ गया 2 आ गया, और c कितना आ गया बेटा माइनस 1 आ गया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 आपने मानी थी बेटा, उस इक्वेशन 1 में अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे, तो f इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमको गिवन नहीं तो हम रख नहीं पाएंगे, m का पावर a, तो m पावर a, a देखिएगा 1 है, v का पावर b, तो b देखिएगा 2 है, और r का पावर c, c देखिएगा 1 है, तो f इक्वल्स टू k, इट इज एम वी स्क्वायर बेटा c माइनस 1 है बच्चे, तो ये माइनस 1 हो गया, k एम वी स्क्वायर अपॉन r। माइनस वन वाला जो पावर है वो कहाँ चला जाता है बेटा, अपॉन में चला जाता है। ऐसे हम कोई भी रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, वी कैन डिराइव एनी रिलेशन विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन, ठीक है बेटा। एक और करते हैं, देखिए एक और बेटा रिलेशन को हम डिराइव करते हैं, देखिएगा, देखिए बेटा रिलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया बेटा, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, ये टाइम है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्वेश्चन लिख देते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ठीक है भाई, टी है बेटा, है ना, और ये टी किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, कौन कौन चीजों पर डिपेंड कर रहा है बेटा, लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। आपसे बोल रहा है टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, कैसे करेंगे बेटा, देखिए आपको गिवन है टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, डिपेंड्स ऑन जी, तो इकट्ठा किया एल जी हो गया बेटा। अब देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, और एल की पावर ए और जी की पावर बी, ये हम आपको बता चुके हैं। अब डायमेंशनल यहाँ लिख लीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूले, तो बेटा लेफ्ट साइड पर टी है जिसका डायमेंशन टी ही होगा, टाइम है, राइट साइड पर बेटा पहले एल है, इसका डायमेंशन एल हो जाएगा लेंथ,
और बेटा जी जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन आप जानते हो बेटा एलटी माइनस टू होता है। इन तीनों वैल्यूज को उठा करके इक्वेशन वन में पुट कीजिए तो टी इक्वल्स टू के वन हो गया बेटा, एल की जगह एल आ जाएगा पावर ए आ जाएगा, जी की जगह बेटा एल टी माइनस टू पावर बी आ जाएगा। सब पावर्स को कंबाइन करने पर एल ए प्लस बी, देखिए ए यहाँ से आया बी यहाँ से आया और टी माइनस टू बी, और इधर टी है खाली एल नहीं है, इधर एल का कोई पावर नहीं बेटा, तो इधर जीरो आया एल का पावर, और इधर एल का पावर कितना बेटा ए प्लस बी, तो उसको सॉल्व किया तो ए इक्वल्स टू माइनस बी, ये तो बेटा इक्वेशन वन आ गई हमारे पास। अब देखिए इधर टी का पावर कितना बेटा वन है, और इधर टी का पावर कितना बेटा माइनस टू बी है, तो बी कितना हुआ भाई माइनस वन बाई टू हुआ। अब माइनस वन बाई टू को यहाँ पुट कीजिए तो ए कितना हो जाएगा भाई वन बाई टू हो जाएगा, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गए बेटा ए बी और बी भी दोनों था कि इक्वेशन वन में रखिए, तो इक्वेशन वन हो जाएगा टी इक्वल्स टू के एल का पावर ए मतलब वन बाई टू और जी का पावर बी मतलब माइनस वन बाई टू, तो उसको आप लिख सकते हैं बेटा के एल का पावर वन बाई टू माइनस वाला नीचे जी पावर वन बाई टू, तो के अंडर रूट में चला जाता है बेटा वन बाई टू एल बाई जी, ये हो गया बेटा आंसर। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया बच्चे आंसर हो गया है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। ठीक है, इसको जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन आपको घर पे एक बार रिवाइज करने हैं और ध्यान से कर लेना है, और अगर कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है भाई, अब देखिएगा एक और क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। फोर्स डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, बेटा इसको क्या बोलते हैं ईटा, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, सही भाई, रेडियस आर एंड वेलोसिटी वी। फोर्स तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है बेटा, ईटा आर और वी पर, कह रहा है फोर्स फाइंड कीजिए, तो सॉल्यूशन बेटा फोर्स डिपेंड्स ऑन ईटा, फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस, फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, तीनों को कंबाइन कीजिए बेटा, फोर्स डिपेंड्स ऑन ईटा आर वी, कांस्टेंट बेटा ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी, इक्वेशन वन। डायमेंशंस, फोर्स का डायमेंशन हमको मालूम है बेटा एम एल टी माइनस टू, बहुत बात कर चुके हैं। कांस्टेंट का वन होता है बेटा, ईटा का डायमेंशन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इट इज इंपॉर्टेंट डायमेंशन। ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और उसका डायमेंशन कितना बेटा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। आर रेडियस है, इसका पावर ए है बेटा, आर रेडियस है, लेंथ है, पावर एल पहले डायमेंशन, पावर कितना बेटा बी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल आपको मालूम है टी माइनस वन, पावर सी है बेटा। ठीक है, पावर्स को कंबाइन कीजिए बच्चे, तो एम का पावर ए, देखिए ए यहां से आया बस ए ही है और कहीं भी एम नहीं है, एल का पावर देखिए माइनस वन ए, तो माइनस ए तो यहां से आया बेटा, अब देखो बी यहां से आया बेटा प्लस बी, और बेटा सी यहां से आया प्लस सी, और बेटा टी का पावर माइनस ए यहां से आया देखिए और माइनस सी यहां से आया, माइनस ए माइनस सी, दोनों तरफ पावर्स कंपेयर करने पर ये कितना था बेटा एम एल टी माइनस टू था, इधर एम का पावर वन है इधर ए है, एक आंसर तो ये आ गया सीधे सीधे, इधर एल का पावर वन है इधर माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन ये वन इक्वल्स टू माइनस वन, ये वन है ना बेटा, ए कितना है वन है बेटा, ये पहला आंसर है बेटा। ठीक है, इट इज द फर्स्ट आंसर, ठीक है फर्स्ट इक्वेशन ये, इसलिए सेकेंड मान लिया बेटा, ए की जगह वन रख दिया आपने तो बी प्लस सी, अब जरा इसको इधर ले आइए तो बी प्लस सी टू हो गया भाई, इक्वेशन थ्री हो गई बेटा, क्या हो गया इक्वेशन नंबर थ्री हो गई। अब देखिए इधर टी का पावर कितना बेटा माइनस टू, और इधर कितना बेटा माइनस ए माइनस सी, आप जानते ए वन है, ए को वन रख दीजिए तो माइनस टू माइनस वन माइनस सी, तो उसको इधर ले आइए तो माइनस टू प्लस वन इक्वल्स टू माइनस सी,
तो माइनस वन इक्वल माइनस सी या सी इक्वल्स टू वन, तो आपको सी भी मिल गया बेटा और ए भी मिल गया। अब देखिए बी आपको चाहिए, तो यहाँ उठा के जो सी की वैल्यू वो बेटा पुट कर दीजिए फ्रॉम थ्री, तो बी प्लस वन सी वन ने देखे हैं इक्वल्स टू टू, तो बी भी कितना आया बेटा वन आया, तो ए बी वन बी बी वन और सी बी वन। तो आपके पास क्या इक्वेशन थी बेटा, एफ इक्वल के एटा पावर ए आर पावर बी वी पावर सी, इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो के एटा वन आर वन और बेटा वेलोसिटी वन, ये आपका आंसर है। कई बार के की वैल्यू 6 पाई गिवन होती है, तो एफ इक्वल यहाँ 6 पाई रख दीजिए, इट इज 6 पाई एटा आर वी, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको डिराइव करना था। ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको डिराइव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, आपको जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हम डिराइव कर रहे हैं, असाइनमेंट अभी आपको हम भेज देंगे और जो असाइनमेंट है उसमें से आप फॉर्मूले डिराइव करके कोशिश करेंगे कि आपसे हो जाए। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये बोल रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन, ये बेटा सबसे लंबा फॉर्मूला डेरिवेशन है, ये सबसे लंबा क्वेश्चन यही है आपका। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, रेट ऑफ फ्लो वाटर डिपेंड्स ऑन प्रेशर अपॉन लेंथ, इसको इन्होंने नाम दिया प्रेशर ग्रेडियंट। बेटा ये क्वेश्चन है, सही है, जो रेट ऑफ फ्लो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट, रेडियस ऑफ ट्यूब एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ फ्लो। किसका फॉर्मूला निकालना बेटा, रेट ऑफ फ्लो का निकालना। सॉल्यूशन अब देखिए जी, रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन प्रेशर अपॉन लेंथ, रेडियस एंड ईटा, सही बेटा ऐसे। ठीक है, और रेट ऑफ फ्लो को हम क्या लिखते हैं बेटा, वॉल्यूम अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है बेटा, वॉल्यूम अपॉन टाइम, डिपेंड्स ऑन हट जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, प्रेशर अपॉन लेंथ पावर ए आर पावर बी ईटा पावर सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा इन सब की डायमेंशन हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं ताकि सॉल्विंग में आसानी हो जाए। वॉल्यूम होता है बेटा एल क्यूब, ठीक है, टाइम होता है बेटा टी, प्रेशर होता है बेटा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर है, ये प्रेशर था बेटा, लेंथ होता है बेटा एल, रेडियस होता है बेटा एल, और ईटा होता है बेटा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी हम यही बता चुके हैं, तो बेटा वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये एल क्यूब हुआ बेटा, ये टी हुआ, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वन होता है बच्चे, प्रेशर क्या होता है बेटा एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन एल, और पार कितना हुआ बेटा ए हुआ, रेडियस एल पावर बी हुआ, और एम एल माइनस वन टी माइनस वन पावर सी हुआ। बेटा बहुत पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए बेटा एल क्यूब, ये टी ऊपर जाएगा, टी माइनस वन हो जाएगा बच्चे, ये वन यहाँ से हट जाएगा। अब देखिएगा बेटा एम एल, एक नीचे एक माइनस वन ऊपर है, तो एम एल माइनस टू, देखिए माइनस वन ये माइनस एक ऊपर जाएगा, तो माइनस टू टी माइनस टू, इट इज ए एल पावर बी, ठीक है बेटा, और एम एल माइनस वन टी माइनस वन पावर सी। अब क्या करेंगे बेटा, पावर्स को कलेक्ट करेंगे, पावर्स को इकट्ठा करेंगे, तो कैसे आएगा बेटा, एम की पावर ए तो यहाँ से आया बेटा, ये आया। अब देखिए यहाँ पर एम नहीं है, एक यहाँ से आएगा बेटा सी, तो ए प्लस सी। एल की पावर देखिए माइनस टू यहाँ पर है, ए से मल्टीप्लाई माइनस टू ए, एक बेटा यहाँ पे प्लस बी और एक बेटा यहाँ पे माइनस सी, सही बेटा, पावर कलेक्ट करना आना चाहिए। और बेटा टाइम जो है, यहाँ देखिए माइनस टू ए तो यहाँ से आया, यहाँ टी है नहीं, और माइनस सी यहाँ से आया, तो माइनस टू ए माइनस सी। अब बेटा इन दोनों को
मतलब दोनों तरफ से पावर्स को कंपेयर करेंगे। देखिए इधर m नहीं है तो m का कितना हुआ भाई, जीरो हो गया, और इधर जीरो हो गया बेटा, और इधर a प्लस सी हो गया, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, माइनस सी आ गया। एक इक्वेशन ये आ गई इक्वेशन टू। अब देखिए इधर l का पावर कितना बेटा, थ्री है, तो थ्री इक्वल्स टू माइनस टू ए प्लस बी माइनस सी, है ना बेटा। यहाँ थ्री है और यहाँ कितना, माइनस टू ए प्लस बी माइनस सी। अब जरा बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर a इक्वल्स टू किसके बेटा, माइनस सी के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो थ्री इक्वल्स टू यहाँ पर a की जगह माइनस सी आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा आपका टू सी सही बेटा प्लस बी माइनस सी। तो अब देखिए 2c में से c गया, c बचेगा बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा b प्लस सी, इक्वेशन नंबर थ्री। ये किसकी पावर को हमने सॉल्व किया बेटा, l की पावर्स को हमने सॉल्व किया। अब देखिए इधर t का पावर कितना बेटा, माइनस वन है, देखिएगा इधर t की पावर क्या है बेटा, माइनस वन है, और इधर t की पावर क्या है बेटा, माइनस टू ए माइनस सी, माइनस टू ए माइनस सी ऐसा है, सही है। और a इक्वल्स टू क्या बेटा, माइनस सी है, वहां पर पुट कर दीजिए, बट a इक्वल्स टू माइनस सी ऐसा आप पहली इक्वेशन में लिख, यहाँ पर लिख दिए हैं पहले, है ना बेटा, इसको वहां रख दिया, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस वन इक्वल्स टू a की जगह माइनस सी, तो ये हो जाएगा बेटा टू सी माइनस सी, तो माइनस वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, c, तो c का वैल्यू क्या आ गया बेटा, माइनस वन आ गया। c कितना है बेटा, माइनस वन आया, और क्योंकि a माइनस सी है तो a कितना आया बेटा, वन आ गया, a कितना आ गया बेटा, वन आ गया। और अगर b मुझे चाहिए तो यहाँ देखिए b प्लस सी थ्री है, b प्लस सी कितना है बेटा, थ्री, तो b c का वैल्यू माइनस वन इक्वल थ्री, तो b कितना है बेटा, फोर आया, कितना आया बेटा, b फोर आया। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई हैं, इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट करूंगा, देख लीजिए बेटा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। क्या आपने देखा बेटा, सिंपल डायमेंशनल फॉर्मूला रखा मैंने, पावर्स को कलेक्ट किया, हर बार वही कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अब जो है एबीसी का वैल्यू मेरे पास आ गया है, उसके वैल्यू को मैं यहां पर डाल दूंगा बेटा, पुट कर दूंगा, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये p अपॉन l, और a देखिए वहां पर 1 है, और r b है बेटा तो 4 है, और eta c है बेटा माइनस 1, तो उसको eta को नीचे ले जाएंगे माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा बेटा वॉल्यूम अपॉन टाइम इक्वल k p r पावर 4, है ना बेटा। ये तो ऊपर आया, और l पहले से ही नीचे, और eta भी नीचे, तो eta इंटू l, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा बेटा, देखिए l ओरिजिनली पहले से ही डाउनवर्ड है, और एटा नीचे चला जाएगा, तो आपका एटा और l आ जाएगा, ठीक है। बताइए क्या आपको समझ आया, क्या आपको समझ आया बेटा। चलिए अब इसके बाद बेटा यहां पर आती है बेटा लिमिटेशंस ऑफ, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बेटा। इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस का जो ये टॉपिक है बेटा ये खत्म हो जाता है। कल हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे, और साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, देखिए पहली लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन आपको हम बता चुके हैं, पहली लिमिटेशन डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूले, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूले मे बी फिजिकली इनकरेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूले मे बी फिजिकली इनकरेक्ट। कल के लेक्चर में हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है भाई, जो डायमेंशन से करेक्ट आते हैं फॉर्मूले वो फिजिकली क्या भी हो सकते हैं बेटा, इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। सेकंड, वी कैन नॉट डिराइव इक्वेशंस
हम इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते, जैसे v इक्वल यू प्लस एटी है बेटा, तो डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला तो डिराइव कर सकते हैं लेकिन इक्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि प्लस साइन नहीं आता इसमें। ठीक है भाई, वी कैन नॉट डिराइव इक्वेशन और एनी फॉर्मूला एंड, और नहीं बेटा एंड आएगा, एंड एनी फॉर्मूला विच डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री वेरिएबल्स। हम डायमेंशनल एनालिसिस से कोई भी ऐसा फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते जिसमें तीन वेरिएबल से ज्यादा आ रहे हो, जैसे फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी, रेडियस और चौथा वेरिएबल विस्कोसिटी आ जाए तो हम इससे इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि चार वेरिएबल पे काम नहीं करता, इसमें मैक्सिमम तीन वेरिएबल होने चाहिए, तो इक्वेशन डिराइव नहीं कर सकते और तीन वेरिएबल से ज्यादा अगर आ जाए तो फॉर्मूला डिराइव करना पॉसिबल नहीं है। नंबर थर्ड, वी कैन नॉट डिराइव एनी फॉर्मूला, वी कैन नॉट डिराइव एनी फॉर्मूला विच कंटेन लॉगेट्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सही भाई, ई की पावर एक्स, जिसमें भी ये सब कॉन्स्टेंट आ जाते हैं उसको डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि बेटा ये सब क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं, तो इनकी यूनिट नहीं है तो ऑब्वियसली डायमेंशन भी नहीं है, तो इनको लाएंगे कैसे फॉर्मूले, वी कैन नॉट डिराइव। ठीक है भाई, नंबर फोर, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट कैपिटल के बाय डायमेंशनल एनालिसिस। जो कांस्टेंट आता है ना बेटा प्रोपोर्शनैलिटी के बाद जो आप कांस्टेंट लिख देते हैं उसको, यहां से उसकी वैल्यू को फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, आप उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो अगर वो कांस्टेंट गिवन होता है तो आप रख दोगे, अदरवाइज आप रख नहीं पाओगे। नंबर फाइव, वी कैन नॉट गिव डिफरेंस, वी कैन नॉट गिव डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। आप वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस नहीं बता सकते, जैसे मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था lt माइनस वन जो है बेटा वो स्पीड की भी डायमेंशन है और वेलोसिटी की भी डायमेंशन है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि वेलोसिटी कौन है और स्पीड कौन है क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं आती। ठीक है बेटा, नंबर सिक्स, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है बेटा, इतने में कोई दिक्कत है क्या, आपको समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंबर सिक्स, वी कैन नॉट डिफाइन और कैलकुलेट दैट फॉर्मूला विच कंटेन टू सेम क्वांटिटीज। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, आपसे बोला फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस, फोर्स डिपेंड्स ऑन लेंथ, तो बेटा रेडियस और लेंथ दोनों की डायमेंशन एल है तो आप उन दोनों को सेपरेट कंसिडर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें दो क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है उसको इससे डिराइव करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, उसको डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, तो अगर इसमें कोई दिक्कत है, मैंने इसमें सारे लिमिटेशन ले लिए हैं, ठीक है, अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछिए। दोबारा सुनिए, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है बेटा, जब भी हम यूनिट्स को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, देन द मेथड इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस क्या होती है, पावर ऑफ MLT इज नोन एज डायमेंशंस। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT विद पावर इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होते हैं, जैसे स्पीड इक्वल LT माइनस 1, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन विच कंटेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ। बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला हमने आपको कैलकुलेट करने सिखाए। ठीक है बेटा, उसके बाद इसके चार यूजेस पढ़े। पहला यूज क्या था बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। दूसरा क्या था बेटा, वी कैन फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ एनी रिलेशन इफ LHS डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इक्वल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS देन फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है बेटा, तीसरा यूज क्या था बेटा, वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर
जैसे 1 किलोमीटर पर आर इन मीटर पर सेकेंड, 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 जूल इंटू अर्थ। नेक्स्ट क्या था बेटा, वी कैन डराइव एनी फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जैसे हमने 3-4 आपको एग्जाम्पल करा। लिमिटेशन क्या है बेटा, लिमिटेशन हमने सामने लिखी है। डायमेंशनल फॉर्मूले जो डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूले होते हैं वो फिजिक्स में इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, कल हमने इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। हम एक ऐसा फॉर्मूला इससे डराइव नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डराइव इक्वेशन जिसमें प्लस माइनस आ रहा हो, यानी v इक्वल यू प्लस at को इससे डराइव करना पॉसिबल नहीं है, और ऐसा भी फॉर्मूला डराइव नहीं कर सकते जिसमें 3 से ज्यादा वेरिएबल आ रहे हो। 3 वेरिएबल तक तो हो सकता है, उससे ज्यादा डराइव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। और हम ऐसा फॉर्मूला डराइव नहीं कर सकते जिसमें लॉगरिथम आ रहा हो, साइन कॉस टेन आ रहा हो, या e की पावर x आ रही हो, ठीक है बेटा। हम डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर जो कांस्टेंट आता प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। हम डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस नहीं दे सकते, और बेटा हम डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर ऐसा फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते जिसमें 2 क्वांटिटी ऐसी हो जिनकी सेम डायमेंशन हो। तो बेटा यहाँ पर आपका ये डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है, और ये जो लेक्चर है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ये जो लेक्चर है आप रिवाइज कीजिए, असाइनमेंट और नोट्स दोनों आपको असाइनमेंट के फोल्डर में आज मिल जाएंगे, ठीक है। जिस समय आप वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो देखने के बाद आप चेक करेंगे तो असाइनमेंट के फोल्डर में आपको असाइनमेंट और नोट्स दोनों मिल जाएंगे। बहुत मेहनत से आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई भी अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप व्हाट्सएप कीजिए 9410036555 पर, और बेटा इस वीडियो का फीडबैक भी जरूर दीजिए। इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है, और आपको ब्लेस्ड हो रहे हैं फिजिक्स के कंसेप्ट, तो इस वीडियो का बेटा आप जो है फीडबैक भी दीजिए, और फीडबैक भी आप व्हाट्सएप पर दे सकते हैं 9410036555, ठीक है बेटा। मैं आपको ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक है कंप्लीट आपको करा दिया है मैंने। कल के लेक्चर में हम जो बात करेंगे बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और साइंटिफिक नोटेशन, 3 चीजों की बात करेंगे। जो आपको आज नोट्स मिलेंगे वो पूरी यूनिट के नोट्स होंगे, जिस यूनिट को खत्म होने में भी समय लगेगा, ठीक है भाई। और अगले नोट्स जब हम देंगे या जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो हम बता देंगे कब आपका अगला चैप्टर शुरू होगा। अभी आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, ये आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें से 1 नंबर का मतलब 1 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से जरूर आता है, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और बहुत आसान आता है, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है बेटा। इसी के साथ आज का ये क्लास जो है हम एंड करते हैं। कल हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन। सिग्निफिकेंट फिगर एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री से कॉमन है, तो आप उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर रिवाइज कीजिए, फीडबैक दीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे पूछिए 9410036555। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।